तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अक्सर अपनी स्किन के साथ क्या करते हैं जिससे वो इतनी जल्दी खराब हो जाती है, या फिर हमारी एज से 10 साल पहले ही हमारे फेस पर बुढ़ापा आने लगता है, यानी आप हैं 40 के और लगते हैं 50 के। जी हाँ, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हम खुद ही करते हैं एंड हमें पता भी नहीं होता। कई बार होता है कि हम कहीं भी कोई भी रेमेडी देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मेरे ही चैनल पर देखी है एंड मैं हर वीडियो पर ये मेंशन करती हूँ कि ये किस टाइप से आपको यूज करनी है। आप उसको तो ठीक से देखते नहीं है, आप क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ रेमेडी रेमेडी को देख लेते हैं एंड उसको यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर किसी की जो स्किन है वो अलग अलग टाइप की होती है, हर किसी की स्किन पर हर चीज सूट नहीं करती है। ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी खाएं पिए या फिर जो भी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी टाइप होनी चाहिए, यानी हमारी स्किन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमारे एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और जहाँ पर हम रहते हैं उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाया था कि टाइप्स ऑफ स्किन को कैसे पहचानें। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि ये हमारे लिए है या नहीं, इसके लिए भी एक मैं छोटी सी टिप्स आपको दूंगी सबसे एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये कौन कौन सी चीजें हैं या क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी एज से बहुत ही जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट है कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उस पर पीछे चेक करें। आप केमिकल फ्री तो चेक करते ही, उसी के साथ चेक करें कि एल्कोहल फ्री है या नहीं। यदि इसमें थोड़ा बहुत एल्कोहल है तो प्लीज उनको यूज ना करें, क्योंकि ये आपके लिए अच्छे नहीं है, ये आपकी स्किन की लेयर्स को धीरे धीरे डैमेज करने लगते हैं। इसके बाद आपको क्या चेक करना है घरेलू नुस्खों में। घरेलू नुस्खे आपने कहीं भी देखे नहीं कि आप यूज कर लेते हैं, इसको आपको अवॉइड करना ही होगा। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो हर कुछ बताते टाइम उसमें लेमन यूज कर देते हैं एंड ये नहीं बताते कि इसको किस टाइम यूज करना है, किस स्किन टाइप पर यूज करना है एंड आपको इसके साथ क्या प्रिवेंशन लेना है। नींबू या फिर कोई भी खट्टा फल, सिट्रिक, जब भी आप कोई भी चीज सिट्रिक यूज करते हैं तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। नींबू को कभी भी डायरेक्ट यूज ना करें, जैसे कि मैंने बहुत सारी रेमेडीज में देखा है, वायरल वीडियोज में देखा है, नींबू सोडा नींबू चीनी लेके उसे इमीडिएटली स्किन पे रब करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ये आपकी स्किन को खराब कर देंगे। नींबू या फिर कोई भी सिट्रिक चीज़ यानी जो खट्टी वाले फल होते हैं इन्हें आपको कहीं ना कहीं डाइल्यूट करना पड़ता है। यदि आप इनको ठीक से डाइल्यूट करेंगे तभी ये, यानी डाइल्यूट आपको किसी और चीज़ में मिक्स करना होगा। आप इस तरह से यूज़ करेंगे तभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फायदे हैं क्योंकि ये स्किन को निखार देंगे। बट यदि ठीक तरह से यूज़ नहीं करेंगे, सही टाइम पर यूज़ नहीं करेंगे, आपको इन्हें मॉर्निंग टाइम पर कभी भी यूज़ नहीं करना है। आपको इसको यदि आप मॉर्निंग टाइम पर यूज़ करें तो आप घर पर हैं तब यूज़ कीजिए, बाहर नहीं निकलना है। यदि आप धूप में निकलते हैं तो ये आपकी स्किन को ख़राब कर देंगे। दूसरी चीज़ जो मैंने घरेलू नुस्खों में देखा है, बेसन हल्दी हनी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट आपको इसके साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि आप पहले ये चेक कर लें कि क्या ये आपके स्किन के हिसाब से सेंसिटिव तो नहीं है। चाहे आपकी स्किन ड्राई हो चाहे ऑयली, आपकी स्किन फिर भी सेंसिटिव होती है कुछ कुछ चीज़ों को लेकर। हो सकता है बेसन हल्दी या फिर हनी, ऐसी जो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनके लिए आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो, तो आप एक बार इसको हल्का सा यहाँ पर अपनी जॉ लाइन पर यूज़ करके देखें। यदि आपको कोई भी दाने या कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तब ही आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करें, क्योंकि पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को लेकर आपकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव हो। तो आपको हमेशा कोई भी नुस्खा यूज़ करते टाइम पहले 2 मिनट के लिए अपनी जॉ लाइन पर उसको यूज़ करना चाहिए, उसके बाद ही अपने पूरे फेस पर उसे अप्लाई करना चाहिए। थर्ड, घरेलू नुस्खों में एप्पल साइडर विनीगर। एप्पल साइडर विनीगर ऐसे यूज़ हो रहा है आजकल हर घरेलू नुस्खे में, इसमें यूज़ कर लो, बालों में यूज़ कर लो, स्किन में यूज़ कर लो, लेकिन एप्पल साइडर विनीगर यदि आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपके बाल खराब हो जाएंगे, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। इसको बहुत ही कम मात्रा में बहुत सारे पानी के साथ या फिर गुलाब जल के साथ अच्छे से डाइल्यूट कर ही यूज़ किया जाता है। यदि आप इसको प्रॉपर डाइल्यूट करेंगे तब ही आपके लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है। तो इन तीन जो मैंने ये सारे घरेलू नुस्खों में से जो चीज़ें छाट कर बताई, इसका आप हमेशा
कोई भी घरेलू नुस्खा यूज करते टाइम होते हैं दो चीजें जो आई थिंक बहुत सारे लोग यूज करते हैं। अब तो काफी सारे लोगों में अवेयरनेस आई है बट उन्हें फिर भी नहीं पता कि ये स्किन के लिए भी कितने ज्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। इसमें दो है जो है शुगर और सॉल्ट। जी हाँ, शुगर को तो लेकर लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं हमें शुगर नहीं खानी है, हम मोटे हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। शुगर हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही खराब होती है क्योंकि शुगर एक तरह का वाइट पॉइजन होता है। मतलब होता नहीं है बट इसको वाइट पॉइजन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसको एकदम रिफाइन कर दिया जाता है और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिफाइन कर दी जाती है तो वो हमारी हेल्थ और स्किन दोनों के लिए अच्छी नहीं होती। इसके बाद शुगर से भी ज़्यादा जो नुकसान करता है वो होता है सॉल्ट। हम बहुत सारी तरह की नमकीन्स खाते हैं, वेफर्स खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं जिनको प्रिजर्व करने के लिए उसमें काफ़ी सारा सॉल्ट होता है एंड उसी के साथ हम कितना ज़्यादा सॉल्ट ले लेते हैं दिन भर में ये हम खुद नहीं सोच पाते। और सॉल्ट क्या करता है, आपके बॉडी का जो वाटर लेवल है उसको कम कर देता है, यानी आपकी स्किन से सारा का सारा मॉइस्चर को धीरे धीरे गायब करने लगता है, जिसकी वजह से आप अपनी एज से 10 साल पहले ही आप अपनी एज से बूढ़े लगने लगते हैं। आपकी स्किन मॉइस्चर होता है जो शाइन होती है एंड फाइन रिंकल्स आने लगते हैं, पिगमेंटेशन होने लगती है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आप कितना सॉल्ट लेते हैं। सॉल्ट को और चीनी को दोनों को ही आप बहुत ही अच्छे से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी आप शुगर को नेचुरल शुगर जो भी चीज़ें जैसे खजूर होता है या फिर गुड़ होता है, गुड़ में आयरन अच्छा होता है, आप देसी वाला गुड़ लीजिए जो बिना फिल्टर किया हुआ आता है वो खा सकते हैं आप। इसी के साथ ही साथ आप सॉल्ट की जगह क्या ले सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट आता है जो रॉक फॉर्म में आता है, आप उसको ले सकते हैं, आप रॉक सॉल्ट ले सकते हैं एंड इनकी क्वांटिटी आप कम रखिए। रॉक सॉल्ट माने सेंधा नमक, बट इसकी भी आप क्वांटिटी कम रखिए, बस इतनी रखिए कि आप खाने को इजीली खा सके। यदि आप सैलेड खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, कोशिश कीजिए इन्हें आप धीरे धीरे बिना सॉल्ट का करते जाएं। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो बिना सॉल्ट के रह ही नहीं पाते, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, आप धीरे धीरे क्वांटिटी को कम करते जाइए। यानी एक चम्मच खाते थे पौन कर दीजिए, फिर धीरे धीरे आधा, फिर चौथाई, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके सैलेड में से या फिर फ्रूट्स में से नमक को कम कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट, पानी कम पीना। बहुत सारे लोग हैं जो पानी बहुत ही ज़्यादा कम पीते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर पानी पी लेते हैं, जबकि आपको मिनिमम 4 लीटर पानी यदि आप अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है। और हो सके तो हल्का सा वार्म वाटर पिए जो आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और आपके बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है उसे मेल्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन और ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा, आपके फेस पर एक निखार आने लगेगा। फोर्थ एक्सरसाइज। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज दिन में ज़रूर करें, यदि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं तब भी आपको बहुत जल्दी बुढ़ापा आने लगेगा। एक्सरसाइज से क्या होता है, एक्सरसाइज से आपके शरीर की जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर आपकी बॉडी जो डिटॉक्स नहीं हो पाती है वो अच्छे से डिटॉक्स होने लगती है, यानी पसीने के बहाने बहुत सारे जर्म्स या बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। यदि आप ये छोटे छोटे से घरेलू नुस्खों पर थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे और ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो ये सारे घरेलू ही नुस्खे आपको केमिकल फ्री प्रोडक्ट देंगे, एल्कोहल फ्री देंगे, सस्ते भी होंगे, SLS फ्री होंगे, पैराबेन फ्री होंगे और आपके लिए किसी भी तरह का स्किन डिसीजेस पैदा नहीं होने देंगे। तो इनको आप ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मत कीजिए और आप घर पर ही पैसे बचाइए, छोटा मोटा सा कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं बस थोड़ा सा ध्यान के साथ। तो ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर